दोस्तों आपके अपने चैनल एफ प्लस अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अपने रिश्तेदारों की, जो अक्सर आपके एग्जाम में कम नंबर पर आने पे आपको कॉल करके पूछते थे कि आपके कितने नंबर आए। वही रिश्तेदार आज आपको इस टॉपिक में पूरे नंबर दिलाने वाले हैं। विश्वास रखिए, आज के बाद आपके ऐसा कोई सा भी क्वेश्चन आपके दिमाग से बाहर नहीं जाएगा। तो कुछ तीन या चार चीजें हम इसमें याद रखेंगे, उसके बाद कुछ भी नहीं करना है। कितना भी मुश्किल क्वेश्चन हो, विद इन 10 सेकंड में आपके क्वेश्चन वो सोल्व होने वाला है। पहला मैं आपको लिखवा देता हूं, एक जनरेशन जो हमारे खुद की जनरेशन है, उससे अगर ऊपर वाली जो जनरेशन होगी, उस जनरेशन में जैसे हमारे मम्मी पापा, चाचा चाची, मामा मामी, ताऊ ताई, ये सभी क्या है, हमारी जनरेशन, यानी जो हम हैं उससे ऊपर वाली जनरेशन में आते, तो उसको तीर का निशान लगा के ऊपर लिखेंगे। अगर हमारे बराबर की जनरेशन है, जैसे हमारे अंकल आंटी के बच्चे बच्ची, हम खुद, या फिर खुद की जो वाइफ है या सिस्टर्स, बहनें, भाई बहन, ये सभी एक में ही आते, तो एक के लिए जनरेशन के लिए हम या तो ऐसे तीर का निशान लगाएंगे या फिर ऐसे। हमारे से जो नीचे वाली जनरेशन है, उसके लिए हम तीर का निशान नीचे लगाएंगे। अब नीचे वाली जनरेशन में कौन कौन आता है, जैसे हमारे खुद के बच्चे बच्ची, या ताऊ ताई के जो बच्चे बच्ची थे उनके बच्चे बच्ची, या अपने भाई बहन के बच्चे बच्ची, ये सभी हमारे से नीचे वाली जनरेशन के लिए आते, तो उसमें तीर का निशान नीचे लगाएंगे। और अब दो बात और सीख लीजिए, अगर भाई बहन का रिश्ता है, ए और बी है, इन दोनों के बीच में भाई बहन का रिश्ता है, तो हम उसमें बीच में या कोमा लगाएंगे। अगर ए और बी के बीच में अगर पति पत्नी का रिश्ता है, तो प्लस, यानी साथ में रहते हैं, साथ के लिए हम प्लस वाला चिन्ह लगाएंगे। और अगर यह अगर मेल है, यानी ये पुरुष है, तो पुरुष के लिए प्लस लगाएंगे ऊपर कोने में, और महिला है तो महिला के लिए माइनस। बस आपको इतना याद रखना है, इसके बाद क्वेश्चन आपके कोई सा भी हो सॉल्व होने वाला। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन ही बाहुबली क्वेश्चन लेने वाले हैं हम, इसको एक बार जरा पढ़िए, और ऐसा क्वेश्चन अगर एक बार कर लेंगे, उसके बाद हजार क्वेश्चन इस तरह के आएंगे, आप कहीं नहीं अटकेंगे। चलिए शुरू करते हैं। एस यू की पुत्री है, वी की केवल दो संतान है, एस वे वाई है। पी बी का भाई है, वी की दो पुत्रियां हैं, जे यू की माँ है, पी एस से विवाहित है, जे एल से विवाहित है, वी टी का पुत्र है। सर समझ में कुछ नहीं आया, इसको समझना नहीं है, हमें एक एक लाइन से चलना है, इसलिए मैं एक बार इसका डायग्राम बनाऊंगा। जैसा कि मैंने आपको पहले ही वीडियो में स्टार्टिंग बोला था, एस जो है यू की पुत्री है। अब ये एस जो है यू की पुत्री है, अब देखो यू की पुत्री यानी यू इसके कोई पेरेंट्स है, माता पिता होगा कुछ भी, तो ऊपर लेंगे इसको। अब पुत्री है तो देखो लेडीज के लिए क्या आता है, माइनस, कोने में माइनस लेंगे। वी की केवल दो संतान है, एस वे वाई, तो इसका मतलब एस संतान तो हो गई, एक संतान और कौन है, वाई, वाई यहां लिख देता हूं मैं, ये वाई संतान, ये दोनों है, ठीक है। अब वी की भी है, तो ये इसका मतलब क्या है, वी की ये दो संतान है, एस और वाई, इसका मतलब ये दोनों कौन है, हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड वाइफ के लिए क्या लगाएंगे, प्लस। इसके बाद पी बी का भाई है, तो यहां लिख देते पी जो है बी का भाई है, तो बी के लिए प्लस आएगा, भाई है तो देखो भाई के लिए प्लस आएगा। इसको अभी साइड में रखिए, क्योंकि पी और बी दोनों ही अलग है इनसे। आगे चलते हैं, वी की दो पुत्रियां हैं, अब ये बोल दिया, देखो आगे वी की दो पुत्रियां यानी एक पुत्री ये होगी एक ये होगी, तो यहां माइनस आएगा, ये भी पुत्री है। जे जो है यू की माँ है, अब यू की माँ कौन है, जे, तो यू की माँ को जे को हम यहाँ ऊपर लिखेंगे, और जे क्या आएगा, माइनस में आएगा, फिर क्योंकि माँ है तो माँ, तो जे माइनस में आएगी। पी एस से विवाहित है, पी जो है एस से विवाहित है, यानी ये पी किससे विवाहित है, एस से, तो ये पी तो प्लस आएगा क्योंकि विवाहित है तो प्लस, और इसकी जो किसकी बहन या ये भाई था ये बी का, तो बी हम यहां लिख देंगे इसको, यानी इसका उपयोग यहां हो गया। इसके बाद चलते आगे, जे एल से विवाहित है, अब जे जो है एल से, यानी एल कोई आदमी होगा तभी तो ये लेडी से विवाहित है, तो विवाहित के लिए प्लस आएगा यहां पे, विवाहित है। वी टी का पुत्र है, यहां देखिए वी जो है टी का पुत्र है, तो वी यानी कि ये टी है, और टी का पुत्र यानी ये प्लस हो गया पुत्र, और इसका विवाह इससे हुआ, इसका ये क्या है लेडी से, तो माइनस आ गया, सारे काम हो गए यहां पर। अब ये जो पूछ रहा है हमें सिर्फ उसका जवाब देना है, यू का पिता कौन है, यू ये रहा, यू की माता ये है, तो पिता तो एल होगा ना, तो इसका मतलब कौन है, एल। इसके बाद बी की भाभी कौन है, क्वेश्चन है कि बी की भाभी कौन है, अब देखिए बी है, बी का भाई कौन है, पी, अब पी की वाइफ कौन है, एस, तो भाई की जो वाइफ होती है वही भाभी होती है, इसका मतलब कौन आएगा, एस, तो इसके अंदर आंसर होने वाला है एस। वी का पी से क्या संबंध है, अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसका इससे क्या संबंध है, उल्टा फुल्टा भी लिख के आते हैं, तो वी का पी से क्या संबंध है,
तो जिसका संबंध लास्ट में पूछा है उससे निकालेंगे हम, यानी वी का पी से, तो पी से यानी पी से निकालेंगे, और पी और वी का यहां पर, तो पी की ये कौन है वाइफ, और ये वाइफ है इसका पिता कौन है वी, तो इसका मतलब अपनी वाइफ का पिता क्या होता है ससुर, तो इसका आंसर क्या होगा ससुर। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, शुरू करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी इस प्रकार का है कि अगर पिछला क्वेश्चन आपने सही ढंग से समझा है तो आपको आराम से क्वेश्चन आ जाएगा। तो चलिए पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। के एस की बहन है, एस एम से विवाहित है, एम आर का पिता है, क्यू पी का पुत्र है, एस पी की सास है, एम का केवल एक पुत्र है, कोई भी पुत्री नहीं है, के का विवाह टी से हुआ, एन के की पुत्री है। अगर आप लगातार इस तरीके से पढ़ेंगे तो आपके फ्यूज जो है फाड़ हो जाने वाले हैं, यानी कुछ नहीं समझ में आएगा। एक एक लाइन से चलते हैं, डायग्राम बनाते हैं, गारंटी है एक भी क्वेश्चन बाउंसर नहीं जाने वाला है। के जो है एस की बहन है, ये के जो है इस एस की क्या है बहन है। अब बहन के लिए क्या आएगा माइनस, क्योंकि लड़की है। एस एम से विवाहित है, एस की बात कर रहा है, एम से विवाहित है, तो एम से विवाहित के लिए क्या लगाएंगे प्लस। अभी ये नहीं पता कि ये लेडीज है या जेंट्स है, या लेडीज है जेंट्स, अभी कुछ नहीं पता। आगे चलते हैं। एम जो है आर का पिता है, ये एम जो है इस आर का पिता है, इस आर का पिता है, तो पिता के लिए तो प्लस। तो पिता ने किससे, किसी लेडीज से शादी करी होगी, तो इसका मतलब ये क्या है लेडीज है, एस माइनस। क्यू पी का पुत्र है, अब देखो क्यू और पी यहाँ पे नहीं है तो हम यहाँ लिख देते हैं, ये बोल रहा है क्यू पी का पुत्र है, ये जो क्यू है इस पी का पुत्र है, तो पुत्र साइड में लिख देते हैं क्योंकि क्यू पी यहाँ पे हमें कहीं नहीं दिख रहा है। एस पी की सांस है, ये एस जो है इस पी की सांस है, ठीक है। आगे चलते हैं। एम का केवल एक पुत्र है, अब जो एम है केवल एक पुत्र है इसका, ये देखिए पुत्र है तो प्लस, और इसकी सांस है, इसका मतलब क्या हुआ इन दोनों के बीच में शादीशुदा है, और ये अगर पुत्र है इसका तो ये क्या होगा इसमें, ये अगर पुरुष है तो ये लेडीज होगी। इसके बाद चलते आगे, कोई पुत्री नहीं है, के का विवाह टी से हुआ है, इस के का विवाह किससे हुआ है टी से, अगर स्त्री है तो पुरुष से हुआ, यानी ऊपर हम प्लस लिखेंगे। फिर एन के की पुत्री है, यानी ये जो एन जो है के की पुत्री है, इस के की पुत्री कौन है एन, पुत्री के लिए क्या है माइनस। अब जो भी आपसे पूछे इजी वे में आप उसका जवाब दे सकते हैं। आपसे पूछा गया है पी का एम से क्या संबंध है, जो लास्ट में है उससे स्टार्ट कीजिए, शुरू वाले को रहने दीजिए, पी का एम से क्या संबंध है। तो एम देखिए, एम का कौन है बेटा आर, और आर की वाइफ है पी, यानी बेटे की वाइफ एम के लिए क्या होगी बहू, यानी कि बहू, या इसको लिख सकते हैं पुत्र वधु, तो ये इसका आंसर होगा। और अगर दूसरे में चलते हैं, के का आर से क्या संबंध है, तो मैंने क्या कहा लास्ट वाले को पकड़िए, आर से क्या संबंध है, तो आर को के से, यानी कि इसको पकड़ेंगे पहले, तो आर का देखिए, आर में ये क्या इसके पिता है, और पिता की वाइफ यानी खुद की मम्मी होती है, और मम्मी की क्या सिस्टर है, देखिए बीच में कोमा लगाया, यानी बहन है सिस्टर, तो मम्मी की सिस्टर क्या होती है मौसी, तो इसका आंसर क्या होगा मौसी। इसी तरीके से आप कोई सा भी क्वेश्चन डायग्राम बना करके कर सकते हैं। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि शिव किशन का बेटा है, सीमा जो कि किशन की बहन है, उसका एक बेटा मुरली और एक बेटी सुनीता है, प्रकाश मुरली का मामा है, मुरली का शिव से क्या संबंध है, तो इसे डायग्राम से ही हम सोल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं, शिव किशन का बेटा है, अब किशन का बेटा कौन है शिव। यहाँ पर एक सबसे अच्छी बात है कि नाम दिए गए नाम में ही पता चल रहा है कौन महिला है पुरुष, तो यहाँ ऊपर प्लस लगाने की जरूरत नहीं है। सीमा जो कि किशन की बहन है, अब किशन की बहन है सीमा, तो हाँ मैंने बताया था बहन भाई बहन के लिए कोमा का निशान लगाएंगे। अब उसका एक बेटा है, अब बेटे किसकी बात कर रहा है, इससे अगले लाइन किसके लिए थी सीमा के लिए, तो यानी सीमा, सीमा के एक बेटा कौन है यहाँ पर, उसका एक बेटा मुरली है और एक बेटी सुनीता है, तो इसका मतलब ये कौन है सुनीता। अब सुनीता और मुरली आपस में क्या है भाई बहन है, भाई बहन के लिए यहाँ कोमा लगाएंगे हम, ठीक है। प्रकाश मुरली का मामा है, इस मुरली का मामा, अब मामा किसको बोलते हैं हम, हमारे मम्मी के भाई को, तो मुरली की मम्मी सीमा है, सीमा का भाई कौन है यहाँ पर प्रकाश, तो भाई बहन के लिए क्या आएगा बीच में कोमा। अब आगे बोल रहा है, तो शिव का मुरली से क्या संबंध है, जो से वाला लास्ट में पूछते हैं उससे निकालेंगे हम, तो मुरली से क्या संबंध है, तो मुरली और शिव यहाँ पर है,
तो मुरली से संबंध आप ढूंढेंगे तो मम्मी है, मम्मी के भाई का लड़का यानी मामा का लड़का, मामा का लड़का हो चाहे फुफेरा लड़का, कजिन्स बोलते हम उसको, तो इसमें क्या ऑप्शन आने वाला है? कजिन यानी कि ममेरा लड़का, चचेरा लड़का, फुफेरा लड़का, ये कजिन्स में आते हैं, तो इसमें क्या आएगा? कजिन। क्यों? देखिए, मुरली की मम्मी है, मम्मी का भाई किशन यानी कि मुरली के मामा है, दो मामा है यहाँ पे, प्रकाश और किशन, तो मामा का लड़का, मामा का लड़का तो कजिन होता है, तो इसमें क्या आएगा? कजिन। तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर, थोड़ा सा क्वेश्चन नया है इसलिए आप इसमें बने रहे। प्रश्न दिखने में बड़ा छोटा है लेकिन अपने आप में ये प्रश्न बहुत बड़ा है, अगर आप इसके सारे ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे तो ऐसा प्रश्न अक्सर गलत हो जाता है, इसलिए चलिए शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन। रेखा मनीष की बहन सीमा के भाई की एकमात्र पुत्री है, रेखा मनीष से किस प्रकार संबंधित है? तो डायग्राम से ही करने वाले हैं ऐसे क्वेश्चन को, तो समझते हैं हम। सबसे पहले रेखा मनीष की बहन सीमा, तो अब ये मनीष है, मनीष की बहन है सीमा, अब देखो बहन के लिए कोमा लगाएंगे तो सीमा, और सीमा के भाई की एकमात्र पुत्री है, अब सीमा का भाई तो कौन है? मनीष भी है, और एक भाई कोई और भी हो सकता है, अब इसने नहीं बोला कि मनीष की ही पुत्री है इसलिए हम एक और मानते हैं, तो अब कौन है? रेखा, शुरू में ही दिया हुआ है कि रेखा मनीष की बहन सीमा यानी मनीष की जो बहन है सीमा के भाई की एकमात्र पुत्री है रेखा, तो रेखा मनीष से किस प्रकार संबंधित है? तो मनीष से जो रेखा है, मनीष से किस प्रकार संबंधित है? देखिए यहाँ पर दूसरे सीमा के दूसरे भाई का नाम नहीं दिया गया है, इसका मतलब प्रायिकता यह है कि इसका भाई ये हो भी सकता है और सिर्फ एक अकेला मनीष ही अकेला भाई हो सकता है, इसका मतलब अगर मैं बात करूँ सीमा मनीष से जो लास्ट में आता है उसको पकड़िए, तो मनीष से सीमा का यानी कि रेखा का क्या संबंध है? तो अगर मैं बात करूँ रेखा की तो ये क्या है, इसमें इसका जो भाई होगा ये वाला, उसकी भाई की लड़की क्या होती है? भतीजी। और अगर भाई नहीं होगा तो खुद की लड़की होगी, यहाँ पर ये रेखा, अगर इसका सीमा का एक और भाई नहीं होगा तो खुद की लड़की के लिए क्या आएगा? पुत्री, यानी या तो ये इसकी पुत्री है या इसकी भतीजी है, तो इसका मतलब ऑप्शन क्या होने वाला है? चौथा। इसलिए आप इनमें से शुरू वाले ऑप्शन पढ़ के यहाँ पर टिक ना करें ऐसे क्वेश्चन में। चलते हैं हमारे एक लास्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, ए पुत्र है पी का, डी पुत्री है ए की, ई बुआ है डी की, और सी पुत्र है ई का, यानी इस ई की बुआ की बात कर रहे हैं, तो सी का, सी क्या लगेगा ए का, है ना? अब क्या लगेगा ए का या सी क्या लगेगा ए का सी, इस पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है, चलिए शुरू करते हैं बहुत ही सिंपल भाषा में, तो देखते रहिए आप, सिर्फ हम यहाँ पर डायग्राम बनाएंगे। तो ए पुत्र है पी का, अब पी का पुत्र कौन है? ए, तो ए जो पुत्र है तो पुत्र के लिए क्या आएगा? प्लस। अब इसमें नहीं पता कि ये लेडीज है या जेंट्स है। आगे बात करते हैं, डी पुत्री है ए की, अब इसकी भी कौन पुत्री है? डी, तो पुत्री के लिए क्या आएगा? माइनस, स्त्रीलिंग है। ई बुआ है डी की, अब डी की बुआ, अब बुआ किसको बोलेंगे? पापा की बहन को, तो डी के लिए पापा ए, पापा की बहन, तो ई मतलब ए की क्या है? बहन, और बुआ के लिए यानी स्त्रीलिंग के लिए माइनस। अब बात करा आगे की, और सी पुत्र है ई का, अब ई का भी कौन है पुत्र? सी, सी के लिए क्या आएगा? प्लस, क्योंकि पुत्र है, तो सी का, सी क्या लगेगा ए का? जो लास्ट में रहता है सबसे पहले उसे पकड़िए आप, तभी जाके क्वेश्चन सही होगा। तो ए का सी क्या लगेगा? तो यहाँ पर ए है, अब ए और सी के बीच में क्या संबंध है? ए की बहन है ई और बहन का लड़का, तो बहन का लड़का क्या लगता है? भांजा लगता है, तो इसीलिए क्या आएगा ऑप्शन में? भांजा। यहाँ पर अक्सर बच्चे कंफ्यूज होकर के मामा लिख देते हैं, क्यों? कि सी के लिए तो ए मामा है, हमें ऐसे नहीं याद रखना है, हमें जो लास्ट वाला टर्म है यानी सी क्या लगेगा ए का, तो हमें ए को पकड़ना है पहले, और ए को देखते हैं तो ए की बहन है और बहन का लड़का भांजा होगा, तो इसी प्रकार से इसमें आंसर आपका भांजा होगा। चलते हैं हमारे एक और लास्ट क्वेश्चन की ओर, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। इसमें एक ही लाइन में आपको दो सेंटेंस साथ में दिए जाते हैं, तो किस प्रकार से करते हैं ऐसे क्वेश्चन को, देखिए हम डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले नेहा राजेश की बहू है, रामू की भाभी, अब दो सेंटेंस आपको साथ में दिए गए हैं, तो सबसे पहले आप लिखिए नेहा राजेश की बहू है, तो राजेश की बहू कौन है? नेहा। अब रामू की भाभी, अब रामू की भाभी है, इसका मतलब नेहा किसी के साथ शादीशुदा है,
अब उसी का भाई यानी कि रामू का जो भाई होगा उसके साथ शादी होता है, तभी जाके ये भाभी बनेगी। तो आगे पढ़ते हैं, विपिन राजेश का पुत्र है। अब राजेश का पुत्र कौन है? विपिन। अब विपिन है तो इसका मतलब विपिन है और ये बहू है, इसका मतलब ये दोनों क्या आपस में शादीशुदा है। रामू का अकेला भाई है। अब ये जो बोल रहा है विपिन राजेश का तो पुत्र है और रामू का अकेला भाई है, इसका मतलब विपिन किसका भाई? रामू। ये रामू एक और विपिन एक दूसरे के भाई है। तो आगे बोल रहा है नेहा और विपिन के बीच में क्या संबंध होगा? नेहा और विपिन के बीच, तो लास्ट में जो विपिन है इसको पकड़िए आप, तो विपिन और नेहा के बीच में पति पत्नी का रिश्ता है, तो विपिन के लिए नेहा क्या हो गई? पत्नी हो गई। तो यहां पर पत्नी होगा, इसीलिए आपको एक लाइन में दो सेंटेंस दो वाक्य एक साथ दिए जाते हैं, तो इससे बिल्कुल ना घबराए, एक ही है ये। आपको डायग्राम बनाना आता है तो ऐसे क्वेश्चन हो जाएंगे। अगर आपको सीरीज पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं हमारी नए वीडियो में।